आप मुलाहजा फरमाएं कि नौजवानों को खिताब करते हुए हुमैनी ने क्या कहा कि भाइयों, तुम तक वसीयतनामे के ये कागजात मेरी मौत से पहले ना पहुंच सकेंगे। मुमकिन है मेरे बाद तुम इसे पढ़ो, उस वक्त मैं तुम्हारे पास मौजूद ना होऊंगा कि अपने मफाद और किसी मकाम और मनसब को हासिल करने के लिए तुम्हें अपनी जानिब मुतवज्जह करूं। देखिए ये कितनी दयानतदारी का वसीयतनामा है, और इस वसीयतनामे में कहीं ये नहीं लिखा है कि मेरे अहले बैत से वफा करना, इसमें लिखा है रसूल के अहले बैत से वफा करना। अब समझे आप कि मैयत को इतनी इज्जत क्यों मिली, कब्र क्यों ज़ियारत गाह बन गई। अपनी औलाद के लिए वसीयत करता है एक आम आदमी, और हुसैन का चाहने वाला अहले बैत और कुरान के लिए वसीयत करता है। इसमें बहुत अहम जुज है नवा सफा, जिसमें निहायत आजजी और तवाज़ो के साथ उन्होंने तमाम मुसलमानों से दरख्वास्त की है, वसीयत की है कि अम्मे अथार और आलम बशरियत के इन अजीम रहनुमाओं की अस्करी, माशी, इज्तिमाई और सियासी सकाफत की शायस्ता तौर पर जानो दिल से अपने अजीजों की जानें कुर्बान करके पैरवी करते रहे। और इसी में नमाज जुमा की अहमियत भी बताई है, ताकि हर जुमे को तुम एक जगह जमा हो जाओ और तुम अपने मसाइल के हल तलाश कर सको। यानी नमाज जुमा में मसाइल पैदा न करो, हल करो। यह है खुमैनी की वसीयत। इस वसीयत पर अमल न करना रूह है खुमैनी से गद्दारी है, एहसान फरामोशी है।